हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलंकार का पार्ट थ्री। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने अलंकार दो पार्ट में कवर किया है और आज हम लोग पार्ट थ्री में देखेंगे अर्था अलंकार। ठीक है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अलंकार कुल दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार अर्था अलंकार। शब्द अलंकार के भेद हम लोगों ने देख लिया है और आज देखते हैं अर्था अलंकार के बारे में। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं कि अर्था अलंकार के डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें, अर्था अलंकार हमारा इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसका डेफिनेशन है कि जहाँ अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो। ठीक है, अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो वहाँ क्या होता है, अर्था अलंकार होता है। अर्थालंकार में देखिए, जो कविता में सौंदर्य आता है वो आंतरिक सौंदर्य होता है। अर्थालंकार क्या होता है, आंतरिक सौंदर्य से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा होता है। अगर हम लोग इसके भेद की बात करें तो इसके जो भी इम्पोर्टेंट भेद हैं अर्थालंकार के, उनको हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार, जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। ठीक है, उपमा अलंकार का परिभाषा क्या है कि जहां उपमेय, उपमेय क्या होता है, अभी आप लोग पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए, फिर एक एक पॉइंट जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। या फिर अगर हम लोग अपने भाषा में कहें तो एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। ठीक है, अब नीलिमा एक प्राणी है और चंद्रमा सुंदर होता है, तो इससे इसकी तुलना की जा रही है कि नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग उपमा अलंकार की बात करते हैं या जितने भी अर्थ अलंकार है, उसमें चार चीजें होती है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। ठीक है, अब इन चारों को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इससे अलंकार को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उपमेय क्या होता है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, जैसे इसमें नीलिमा की देखिए तुलना की गई है। ठीक है, नीलिमा की तुलना की गई है तो इसमें उपमा उपमेय कौन है, नीलिमा है। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें चांद सा सुंदर मुख, तो उपमेय क्या है, मुख की उपमा दी जा रही है, किससे, चांद से। ठीक है, तो इसमें उपमेय क्या है, मुख, मुख की तुलना की जा रही है चांद से। ठीक है, तो ये हो गया उपमेय। उपमान क्या होता है, उपमेय की तुलना जिससे की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। जिसकी तुलना उपमेय से की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमान। जैसे मुख की तुलना किससे की जा रही है, चांद से की जा रही है। ठीक है, और अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो नीलिमा की तुलना किससे की जा रही है, तो चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, तो चांद क्या होता है, उपमान है। इसमें हमारा उपमान क्या है, चांद, जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमान। बात करते हैं साधारण धर्म, जैसे किस बेस में, सुंदरता पे आप तुलना कर रहे हो। ठीक है, इंटेलिजेंस पे कर रहे हो, रंग रूप पे कर रहे हो, तो ये चीजें होती है साधारण धर्म। मतलब किस बेस पे कर रहे हो, किसी से तुलना, जैसे पढ़ने में तेज है, ठीक है, तो ज्यादा बुद्धिमान है, इसको तुलना कर रहे हो। सुंदर है, इसकी तुलना कर रहे हो। गोरा है, ठीक है, तो कलर की तुलना कर रहे हो, तो वही क्या है, हमारा साधारण धर्म है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो उपमेय उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, जिस भी उद्देश्य से की जाए तो उसे क्या कहते हैं, साधारण धर्म। और इसका लास्ट टॉपिक है क्या, वाचक धर्म। ठीक है, वाचक, ये धर्म नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ वाचक होगा। वाचक क्या होते हैं, उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द से की जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मतलब तुम बिल्कुल उसके जैसे नहीं हो, तो जैसा क्या है, वाचक है। ठीक है, तो ऐसी चीज जिससे तुलना की जाए, तुलना जैसे हम लोग इंग्लिश में करते हैं तो देन करते हैं, देन का यूज करते हैं ना, तो बस वही समझ लीजिए कि जैसे जो भी वर्ड हम लोग यूज करेंगे, तुलना करेंगे, तो वही वर्ड क्या होगा, वाचक होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लें तो चांद सा सुंदर मुख, तो इसमें सा क्या है, चांद सा वाचक है। ठीक है, किस वर्ड से तुलना कर रहा है, सा से, तो वही है वाचक। और भी एग्जाम्पल क्या है, सम, समान, तरह, सरिस, सरीखे, सा, सी, से, ये सब क्या है, वाचक है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब देखिए आ गया ना सा, ये हमारा हो गया वाचक। टीला क्या हो गया, उपमेय।
उपमान कौन है? टीले की तुलना किससे की गई है? हाथी से की गई है। ठीक है, तो वो हो गया उपमान। अब अगला हमारा है, प्रात न भैया बहुत नीला शंख जैसे। ठीक है, प्रात न भैया बहुत नीला शंख जैसे। इसमें देखिए उपमेय क्या है? नभ। इसकी तुलना किससे की जा रही है? शंख से। प्रातः काल आकाश की तुलना किससे की जा रही है? शंख से। और इसमें साधारण धर्म क्या है? नीला। ठीक है, क्या है? नीला मतलब सुबह के समय जो आसमान में नीलिमा होती है उसकी तुलना किससे कर रहा है? शंख से। ठीक है, और वाचक धर्म क्या है? जैसे। ठीक है, शंख जैसे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उपमा अलंकार का सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपमा अलंकार का सम्राट किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को। कालिदास को क्या कहा जाता है? उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रूपक अलंकार के बारे में। उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया कि तुम्हारा, जब हम लोगों ने उपमा अलंकार पढ़ा तो उसमें हमने कहा कि उसका मुख चांद जैसा सुंदर है। ठीक है, तो और हम बोल दें कि उसका मुख ही चांद है। ठीक है, तो ये क्या है? उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां पे रूपक अलंकार हो जाता है। उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो वहां रूपक होता है। और अगर जब हम लोग इसमें देखिए वाचक शब्द भी नहीं होगा, जब हमको उसमें जैसा वैसा, ठीक है, कंपैरिजन करना ही नहीं है, हमें बस डायरेक्टली बोल देना है कि हाँ तुम्हारा मुंह चांद है। ठीक है, तो फिर उसमें वाचक शब्द कहाँ आएगा? तो रूपक अलंकार में एक और भी है, ठीक है, कैसे पहचानेंगे? इसमें कभी आपको वाचक शब्द नहीं मिलेगा, सा जैसे उसके जैसा ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप शेर हैं, अगर हम यहाँ इसी को उपमा, आप शेर जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। लेकिन अगर आप शेर हैं तो क्या है? रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है। चरण कमल बंधव हरि राई, ठीक है, चरण कमल बंधव हरि राई, ये भी क्या है? उपमा रूपक अलंकार है। ठीक है, चरण कमल बंधव हरि राई, इसमें हरि के चरण जो है वो उपमेय है और कमल उपमान, मतलब बताया गया है कि भगवान के जो चरण है वो कमल है। ठीक है, ये नहीं कहा कमल जैसे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। अगला है, सीता जी का मुख चंद्रमा है। अगर चंद्रमा के समान है तो क्या हो जाता? उपमा हो जाता। लेकिन अगर सीता जी का मुख चंद्रमा है तो ये क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, इसमें कृष्ण ने यशोदा से ये नहीं कहा कि मुझे चांद जैसा खिलौना चाहिए, उनको चांद खिलौना ही चाहिए, चंद्रमा ही खिलौना चाहिए उनको। ठीक है, चंद्रमा के जैसा खिलौना नहीं चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब हो गए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का सम्राट किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है, और उपमा का कालिदास। अगला हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए। ठीक है, क्या है? उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए। जैसे अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा इसका? देखिए सबसे पहचानने का तरीका, इसमें जो वाचक शब्द के रूप में जिसका प्रयोग होता है, जैसे जनु जानव, मनु मानव, मानहु जनहु ज्यों, इनका प्रयोग होता है, तो इसको पहचानने का सबसे इजी तरीका है, इसको याद कर लीजिए, जनु मनु मानव जानव मानहु जानहु ज्यों, ये सब क्या उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का तरीका है। ठीक है, अब जैसे हमारा एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है, इसमें क्या है? ऐसा माना गया है, ठीक है, कि जब सोहत ओढ़े पीत पट, ठीक है, तो इसमें जब श्री कृष्ण जी के सुंदर श्याम शरीर में श्री कृष्ण जी जब तैयार होते हैं, तो उनका जो सुंदर श्याम शरीर ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरमा मनोरम संभावना को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, यही है। और इसमें देखिए मनहू का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग है? मनहू का। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जितनी भी चीजें होंगी सब में आपको ये वाचक शब्द मिलेंगे। ये सबसे अच्छा ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में आप लोग इतना हिंदी कवि नहीं है कि हर का हिंदी में मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर आपको चलो मीनिंग बता भी दिया जाए पढ़ के दो चार के, तो भी नहीं, हमें उसको ट्रिक से ही पढ़ना है। उत्प्रेक्षा क्या है? जनु जानो मानव जानो मानव जानो ज्यो।
ठीक है। अब कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो। आ गया ना मानो, हो गया यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। जहां उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया गया हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। तो ये तो सबको पता है कि अतिशयोक्ति मतलब बहुत ज्यादा फेंकना ही क्या है, अतिशयोक्ति है। ठीक है, तुलना करो लेकिन एक लिमिट में करो। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तर न तारा। ठीक है, इसमें क्या है, धनुर्भंग के समय 10,000 राजा एक ही धनुष को उठाने में लगे थे और वह अपनी जगह से नहीं हिला। ठीक है, तो ये क्या है, अब एक एक 10,000 राजा एक साथ कैसे धनुष को छू सकते हैं? आप बताइए, 10,000 हाथ एक धनुष को छू सकता है? तो ये क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब इसने क्या कहा गया कि हनुमान के पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि पूरी लंका जल गई। क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला हम लोग बात करते हैं, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। ऐसा थोड़ी है कि कोई अगर बालों को खोलकर चल रहा है तो सूरज रास्ता भूल जा रहा है। उसको पता है हमको पूरब में उगना है, पश्चिम में डूबना है। ठीक है, तो वो थोड़ी रास्ता भूल जाएगा। तो ये सब क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। मतलब ये जान लीजिए, जो भी चीजें पॉसिबल ना हो, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना ही क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला हम लोग बात करते हैं विरोधाभास। जब दो विरोधी तत्व एक जगह पाए जाए तो वहां क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखते हैं, जेते नीते नीचे है चलाए, तेते ऊंचे हो। नीचे रहकर ऊंचे होने की बात कर रहे हैं। अरे जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा ना, वो ऊपर कहाँ से चला जाएगा? तो यहाँ पे क्या है, विरोधाभास। अगला है, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम की त्यो त्यो उज्जवल हो। अब काले रंग में डूबने से कभी सफेदी आ सकती है? नहीं। तो ये क्या है, विरोधाभास अलंकार है। अगला हम लोग बात करते हैं संदेह अलंकार के बारे में। किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो पाए। ठीक है, इसमें क्या है, संशय बना रहे मतलब डाउटफुल हो। और अगर यही डाउट क्लियर हो जाएगा, हम मान लेंगे ये वस्तु ये नहीं दूसरी है, कोई दूसरी वस्तु जो पहली वस्तु की तरह है, लेकिन हम लोग पहली ना समझ करके दूसरी समझ रहे हैं, तो वहां पे कौन सा हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। बचपन में ये बहुत पढ़ा है, यही तो रट के जाते थे संदेह अलंकार में। ठीक है, तो ये क्या है कि द्रौपदी की साड़ी खींचते समय दुशासन के मन में नारी और साड़ी का संदेह उत्पन्न हो गया था। ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो ये क्या है, संदेह अलंकार है। अब यह मुख है या चंद्र है, इसमें भी कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। यह मुख है कि चंद्र है, निश्चय नहीं हो पा रहा है। अगला हम लोग का आज का लास्ट है भ्रांतिमान अलंकार। जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए तो क्या कहते हैं उसे, भ्रम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए। ठीक है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ो मीजत जाए। तो ये हमारा कौन सा अलंकार है, ये है भ्रांतिमान अलंकार। नायिका के पैर के गुलाबीपन को देखकर नाइन के मन में पुरानी महावरी लगने का भ्रम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भ्रम भ्रांतिमान अलंकार। और लास्ट एग्जाम्पल हमारा, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीच दाढ़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सकु यह कौन है। उर्मिला की नाक को देख के अज्ञातवश तोते के मन में दूसरा तोता होने का भ्रम हो जाता है। उनकी लालिमा को देख करके, ठीक है, वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, और उससे क्या होता है कि उसे यह भ्रम हो जाता है यह दूसरा तोता कौन है। तो ये है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। इसी के साथ हमारा अलंकार का टॉपिक समाप्त होता है, और कुल हम लोगों ने दो चैप्टर कवर कर लिया, वर्णमाला और अलंकार।
तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और करंट अफेयर और योजना की वीडियो आप लोग जरूर देखा करिए, ये बहुत ज़रूरी। कुछ लोग कमेंट करें मैम मंथली करंट अफेयर पढ़ाइए, बस यार मंथली इतना डीपली नहीं जा सकता। और करंट अब एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, आप सिर्फ MCQ पढ़ के नहीं एग्ज़ाम क्लियर कर सकते। जो पैटर्न है आप उस हिसाब से पढ़ोगे या फिर अपने हिसाब से पढ़ोगे कि नहीं हम वन लाइनर ही करंट पढ़ेंगे। करंट अब डीप में पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।